इधर नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर में हिंदू कार्ड खेला, लेकिन एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने आज मोदी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि गुजरात में हुए कत्लेआम को कौन भूल सकता है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने एनडीए के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। पवार ने मोदी का नाम लिए बिना कहा कि गुजरात में हुआ कत्लेआम कोई नहीं भूल सका है। दरअसल शरद पवार हाल के दिनों में मोदी को लेकर नर्म थे, लेकिन चुनाव करीब आते ही उन्होंने मुस्लिम वोटों की सियासत का सुर छेड़ दिया है। एनडीए के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को लेकर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का नजरिया एक बार फिर बदल गया है। पवार ने गुजरात दंगों के बहाने मोदी पर निशाना साधा और कहा कि 2002 में हुए सांप्रदायिक दंगों के जख्म कोई नहीं भूला है। पवार ने एनसीपी मुंबई की अल्पसंख्यक इकाई को संबोधित करते हुए मोदी पर यह बयान दिया है। हमने दूसरी भी बात कुछ देखी है, वहाँ क्या हुआ था, लोगों के आम कत्ल कैसी हुई, इसका भी रक्षा देश के सामने है। अभी ये पुरानी बातें हम याद नहीं करना चाहते। वैसे शरद पवार हाल के दिनों में नरेंद्र मोदी पर खासे मेहरबान रहे हैं। शरद पवार ने कुछ दिन पहले मोदी के साथ हुई अपनी मुलाकात को भी खुद खासी हवा दी थी, लेकिन सियासी गणित बिगड़ता देखकर पवार की पार्टी एनसीपी ने अपना पैंतरा बदल दिया है। हालांकि शरद पवार यूपीए में रहकर भी एनडीए के घटक दलों से काफी करीब रहे हैं। कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए भी पवार ने इस मंत्र का जमकर इस्तेमाल किया है। एहसान अब्बास, जी मीडिया, मुंबई। आम आदमी पार्टी बिजली सब्सिडी के विवाद में फंस रही है। 1 अप्रैल